हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस एजी 504 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए भाई स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हम लोग को, जैसा कि सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस, पहला क्वेश्चन रहेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हिंदी में बोला जाता है कृषि विपणन। तो कृषि विपणन क्या होता है? तो जब हम कृषि से संबंधित विपणन करेंगे तो उसको बोलेंगे कृषि विपणन। देखिए, मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बताऊंगा, मैं ऐसा आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में जाएंगे ना तो जो कोई टॉपिक रहेगा थोड़ा सा भी यदि आप लोगों को याद आ जाएगा मैं जो बताऊंगा तो आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा जरूर याद रहेगा। तो अब कृषि विपणन है, मैंने आप लोग को बता दिया कि कृषि से संबंधित जब हम कोई किसी चीज की विपणन करते हैं, किसी चीज की बिक्री करते हैं, उसको कृषि विपणन कहते हैं। अब इतना तो आप लोग को याद हो ही सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं सभी क्वेश्चन को इस प्रकार बताऊंगा कि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, वीडियो भले से कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग का भी हमें सपोर्ट चाहिए, आप लोग अपना सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कृषि विपणन क्या होता है। तो कृषि विपणन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कृषि विपणन, इसका मतलब क्या है? मतलब कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, ठीक है। कोई कोई किसान है, उसने कोई किसी चीज का उत्पादन किया, किसी फसल का उत्पादन किया, तो उसकी फसल को उसके खेत से लेकर उसके जो उपभोक्ता जो उसको प्रयोग करने वाले जो उसको खाने वाले हैं वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी को कृषि विपणन बोला जाता है, ठीक है। देखिए, मैं खाने के लिए बोल दिया था, आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट याद रखें, मैं खाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे खाना मत समझिएगा, मतलब कृषि के प्रोडक्ट को खेत से लेकर जाकर उपभोक्ता तक, जो भी उपभोक्ता उसको बेचने वाला हो, खाने वाला हो, ठीक है, व्यापार करने वाला हो, तो वहां से कृषि के उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कृषि विपणन। क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए कृषि विपणन भी हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको कई वैज्ञानिकों ने बताया है, जैसे प्रोफेसर पाइले, देखिए आप लोग इसको लिखेंगे प्रोफेसर पाइले के अनुसार, पाइले के अनुसार। अब आप लोगों को प्रोफेसर पाइले कैसे याद रहेंगे, ठीक है, पाइल्स जानते हैं आप लोग, उससे याद रखेगा प्रोफेसर पाइले को, ठीक है। क्यों? प्रोफेसर पाइले ने बताया था कि जो विपणन होता है, कृषि विपणन जो होता है या कोई भी विपणन होता है, उसमें इन्होंने बताया कि कृषि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों व्यय सम्मिलित होती हैं, ठीक है। प्रोफेसर पाइले ने क्या बताया कि कृषि में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी चीज का क्रय करेंगे तो वहीं पर उसका विक्रय हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे एक 5 रुपए की पेन है, ठीक है, 5 रुपए की पेन है, मैं दुकानदार हूँ, आप ग्राहक हैं, ठीक है, मैं दुकानदार हूँ, आप ग्राहक हैं, आपको मुझसे पेन खरीदनी है, ठीक है, आपसे मुझसे पेन खरीदनी है, तो आप क्या करेंगे, मुझसे विक्रय करेंगे और मैं आपको पेन बेचूंगा, तो क्या हो जाएगा, क्रय हो जाएगा। मतलब यही प्रोफेसर पायल ने बताया कि क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं विपणन में, ठीक है। इसके बाद आए एडवर्ड और डेविस, इन्होंने बताया कि विपणन की एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किया जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि विपणन जो है एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है। मतलब कहने का है, जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, तो मैं पेन आप लोगों को बेचूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे, कुछ मूल्य देंगे, कुछ मुद्रा देंगे, तो मैंने क्या किया कि वस्तु को सेवा के बदले में बदल दिया, ठीक है। तो इसने एडवर्ड और डेविस ने बताया कि विपणन एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है था उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। तो यह था इसके बारे में। चलिए अब हम लोग के सब्जेक्ट में दूसरा नाम था ट्रेड एंड प्राइजेस, जो कि सब्जेक्ट का पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस। तो ट्रेड देखेंगे क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार होता है। क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। चाहिए तो मैं आप लोगों को कुछ और ही बातें बता दूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा
हंसना भी हो जाए, ठीक है। तो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोल देता हूँ, और अब से डेली बोला करूंगा कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का कुछ मनोरंजन होता रहेगा तो अभी अच्छे से याद होगा, तो ये आपके दोस्तों के लिए रहेगा और हमारे दोस्तों के लिए भी है, जैसे आप लोग हमारे मित्र ही हैं, ठीक है। तो ऐ दोस्त, हम दोस्ती कुछ इस तरह निभाएंगे जैसे आप लोग हमारे दोस्त हुए और हम आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ऐ दोस्त हम दोस्ती कुछ इस तरह निभाएंगे, लेकिन यह बात पढ़ाई नहीं करेंगे वहां पर लागू होगी, ठीक है। तो ऐ दोस्त हम दोस्ती कुछ इस तरह निभाएंगे, नौकरी न मिली तो जरा भी न घबराएंगे, हम एक चाय की दुकान लगाएंगे, तुम चाय बनाना हम चाय चाय चिल्लाएंगे, ठीक है। तो यह जो मैं बोला हूँ ना, यह पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसके लिए है, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो ये चाय बेचेंगे, ठीक है। तो यह थोड़ा सा आप लोग के मनोरंजन के लिए था, इसको आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रेड क्या होता है, व्यापार क्या होता है। देखिए व्यापार मतलब समझिएगा, व्यापार ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व के अंतरण का अंतरण ही व्यापार कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पेन का एग्जाम्पल दिया था, देखिए मैं पूरे वीडियो में आपको पेन का एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था कि आपने 5 रुपये पेन था, इसको आपने खरीदा, इस परिभाषा से आप व्यापार किसे कहते हैं, तो इससे समझिएगा, व्यापार कहते हैं किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व का अंतरण, मतलब कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामान का स्वामित्व का अंतरण हो जाता है, मतलब उसका स्वामित्व कोई और हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है व्यापार। मैंने 5 रुपया पेन, पहले मेरे पास देखिए 10 पेन थी, ठीक है, 10 पेन मेरे पास है, आपको पेन खरीदना आएंगे, मुझसे पेन खरीदेंगे, अभी इस 10 पेन का स्वामी मैं था, लेकिन आपसे 5 रुपया लेने के बाद इस पेन को मैं आपको दे दूंगा और इस पेन के स्वामी आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्वामित्व का अंतरण हो गया, मतलब उसका मालिक पहले कोई और था लेकिन अब कोई और हो गया। तो यही होता है व्यापार, किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व का अंतरण ही व्यापार कहलाता है, ठीक है। स्वामित्व जो होता है उसका अंतरण अंतरण सामान सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं व्यापार से तात्पर्य पैसे या धन के मूल्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है, इसमें धन या धन के लिए माल और सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय शामिल होता है, ठीक है। तो यह होता है व्यापार। व्यापार दो प्रकार का होता है, देखिए व्यापार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए जो इंटरनल ट्रेड होता है इसका आशय क्या होता है, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि हम जो भी व्यापार करेंगे वह अपने देश के अंदर करेंगे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड वह ट्रेड होता है, वह व्यापार होता है जिसमें अपने देश के अंदर अपने गृह के अंदर व्यापार किया जाता है, ठीक है। यह किसी देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के भीतर आयोजित किया जाता है, यह स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, ठीक है। आंतरिक बाजार जो इंटरनल मार्केट होता है, सीधी बात में कहें तो अपने देश में जब व्यापार करते हैं उसको बोला जाता है इंटरनल मार्केट, अपने देश से बाहर विदेश में व्यापार करेंगे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल मार्केट। इंटरनल मार्केट जो होता है यह दो प्रकार का होता है, इंटरनल मार्केट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है होलसेल ट्रेड, होलसेल व्यापार, इसका मतलब क्या होता है, जैसे पेन का एग्जाम्पल मैं दिया था, आपके पास 10 पेन है, आप क्या करेंगे, आपको इसको बेचना है, ठीक है। आप एक दुकानदार है, आपको पेन बेचना, तो आप क्या करेंगे, आप 500 पेन एक बार में लाएंगे, 500 पेन को एक बार में लाएंगे, ठीक है। अब आपसे 500 पेन को कोई 100 पेन खरीद कर ले जाएगा, आपने जो 500 पेन खरीदा यह हो गया होलसेल ट्रेड, ठीक है। और आपसे कोई ये 100 पेन खरीदा तो यह क्या हो गया, यह हो गया रिटेल ट्रेड, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ज्यादा मात्रा में सामान खरीद रहे हैं या कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। तो देखिए हेल्थ इंटरनल मार्केट पूछता है, सॉरी इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड पूछता है, इसके अंदर की बातें आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। देखिए व्यापार क्या होता है, तो अब किसी वस्तु या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व का अंतरण कहलाता है व्यापार। व्यापार जो होता है दो प्रकार का होता है, इंटरनल मार्केट या इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जब हम अपने देश से बाहर विदेशों में व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, जब अपने हम देश में व्यापार करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में कभी कभी पूछता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, तो इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम किसी देश से अपने देश में किसी वस्तु को लाते हैं व्यापार करने के लिए तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड, और अपने देश से दूसरे देश में किसी चीज को बेचते हैं बेचने के लिए तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। और इंटरपोर्ट ट्रेड एक होता है, या क्या होता है, जैसे हम साइकिल हम लोगों को बनाना है, ठीक है, साइकिल बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसके जो पार्ट है वह चाइना से मंगाएंगे,
चाइना से मंगाने के बाद अपने देश में साइकिल पूरी तरह से बनाने के बाद इसको अमेरिका में बेचेंगे, तो इसको बोला जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की परिभाषा दीजिए, कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए आया है कि सहकारिता क्या है, सहकारिता की परिभाषा दीजिए, कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सहकारिता क्या होता है, सहकारिता का अर्थ क्या है, सहकारिता या जो शब्द है सहकारिता, इसका क्या मतलब है इस अर्थ का। सहकारिता मतलब जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर किसी काम को बिना स्वार्थ के करते हैं तो उसे बोलते हैं सहकारिता। ठीक है, जब किसी काम को कुछ लोग मिलजुल कर सहयोग से करते हैं तो उसको बोलते हैं सहकारिता। एग्जाम्पल समझिएगा, आप खेत में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यह जो है खेत में ही यूज नहीं होता, यह व्यापार में भी यूज होता है। ठीक है, तो आप खेत में कोई काम कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, एक व्यक्ति आएगा बोलेगा मैं चलिए हम दोनों मिलकर आपस में एक सहकारी समिति बना लेते हैं, एक सहकारी संगठन बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों से, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको एक बीघा गेहूं बोना है, आपके पास 10-20 खेत है, एक दूसरा व्यक्ति वह है उसके पास 10-20 खेत है। ठीक है, दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में खेत को मिला लेंगे, एक बीघा खेत हो जाएगा, और एक बीघे खेत में दोनों लोग आपस में मिलजुल कर खेती करेंगे, दोनों लोग का उस पर समान अधिकार होगा, उसको बोलते हैं सहकारिता। ठीक है, सहकारिता क्या होता है, जब किसी काम को कुछ लोग आपस में मिलजुल कर सहयोग से करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। कृषि सहकारिता क्या होती है, तो सहकारी कृषि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए अपनी भूमि मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, कृषि सहकारिता, देखिए यहाँ पर पॉइंट है कृषि सहकारिता, तो कृषि सहकारिता क्या होती है, तो सहकारी कृषि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर, समानता के अधिकार में मतलब क्या होगा, सभी का समान अधिकार रहेगा, समान हितों की प्राप्ति के लिए, मतलब सभी को समान हित के लिए अपनी भूमि को मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करेंगे, तो उसी को बोला जाता है सहकारिता। क्या बोला जाता है, सहकारिता। तो उम्मीद करते हैं सहकारिता क्या है, सहकारिता का अर्थ और कृषि सहकारिता समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान क्या क्या है। तो देखते हैं, गांव में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहकारिता एक प्रकार के साधन के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, गांव जो है हमारा, वहां या आपका गांव है, वहां में गांव में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहकारिता एक प्रकार के साधन के रूप में कार्य कर सकती है, पहली भूमिका इसकी यही है। दूसरा पॉइंट है, जिस देश का गठन गांव के संगठन पर आधारित हो और जहां का आर्थिक ढांचा ही गांव की इकाइयां हो, वहां सामाजिक संगठन के लिए गांव के विकास और उन्हें एक दूसरे से जुड़ने में सहकारिता उपयोगी हो सकती है, क्योंकि सहकारिता जो होता है इसमें दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर खेती करते हैं। ठीक है, सहकारी कृषि की मैं बात कर रहा हूँ। अगला है, जनता में फैली बेरोजगारी दूर करने के लिए पारस्परिक संगठन का योग आवश्यक हो जाता है, इसके साथ ही उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं को प्रायोगिक रूप देने के लिए सहकारी व्यवस्था लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक हो सकती है। मतलब कहने का है कि लोगों की बेरोजगारी दूर होगी सहकारिता से, क्योंकि कुछ लोगों के पास भूमि नहीं होता है, धन होता है, तो अपना धन भूमि में लगाएगा दूसरे के, उससे क्या होगा, उससे दोनों लोग मिलकर खेती करेंगे, उससे बेरोजगारी दूर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहकारिता गांव में बेकार भूमि एवं कृषि के विभिन्न साधनों को अधिक से अधिक उपयोग बना सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, समाज के सभी व्यक्तियों में सामुदायिक रूप से हल करने की भावना बढ़ सकती है। ठीक है, ग्रामीणों को साहूकारों के पंजे से छुड़ाने के लिए सस्ते और सरल तरीके से ऋण का भी प्रबंध करा सकती है सहकारिता। जो है वह क्या है, गाँव में जो ऋण देने वाले होते हैं, जो गाँव में क्या होते हैं, उनको बोलते साहूकार बोलते हैं। ठीक है, साहूकार बोलते हैं या सेठ बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि वो अधिक ऋण पर क्या देते थे, अधिक ब्याज पर ऋण देते थे, जिससे किसानों को ब्याज भरने में पूरा समय बीत जाता था, उसका जो मूल धन है वो भर ही नहीं पाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेती में प्रयोग आने वाली अधिक कीमत की मशीनों यंत्रों को सामूहिक रूप से खरीद कर सभी के लिए उपयोग के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। कोई भी कृषि उपकरण, ट्रैक्टर हो गया, मान लीजिए 7-8 लाख का ट्रैक्टर आता है, एक व्यक्ति खरीदेगा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड आएगा, चार लोग आपस में मिलकर खरीदेंगे तो 2-2 लाख आएगा, उससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा और सभी के लिए उपयोगी भी हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समितियां अपने सदस्यों के व्यवसाय, रोजगार तथा लाभ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा होती है और इन्हें आर्थिक सुरक्षा मिले। ठीक है, तो सहकारी समितियां होती हैं, वह क्या करती हैं, जो भी सहकारी उसमें व्यक्ति होता है सहकारिता में, सहकारी समिति में, उनके व्यवसाय, रोजगार और लाभ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है,
उनको मेहनत करना होता है, ठीक है, इनके ऊपर की पूरी जिम्मेदारी क्या लेता है, सहकारी समिति ले लेती है, जिससे उनके आर्थिक हितों की रक्षा होती है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। तो यह था कृषि विज्ञान में सहकारिता की योगदान या भूमिका, ठीक है। तो उम्मीद करती है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं विपणन लागत, छोटा सा है विपणन लागत, विपणन लागत क्या होता है, ठीक है। तो विपणन लागत क्या होता है, विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। यह खर्च उत्पाद या सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य के उद्देश्य से होता है, ठीक है। देखिए समझिएगा विपणन लागत क्या है, जैसे आप पेन, ठीक है, आपकी एक कंपनी, आपकी एक फैक्ट्री, आप वहाँ पर पेन बना रहे हैं, ठीक है। इस पेन को बनाने में जो खर्च आ रहा है, ठीक है, इस पेन को पैकिंग करने में जो खर्च आ रहा है, इस पेन का एडवर्टाइजमेंट करने में, जो प्रचार करने में, ठीक है, जो खर्च आ रहा है, उन सभी को मिलाकर जो खर्च होता है उसी को बोला जाता है विपणन लागत। या समान भाषा में बोलें तो उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए दिए गए मूल्य और उत्पादक द्वारा उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के अंतर को ही विपणन लागत कहते हैं, ठीक है। विपणन लागत किसे कहते हैं, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए दिया गया मूल्य और उत्पादक द्वारा उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के अंतर को ही विपणन लागत कहते हैं, ठीक है। याद रखिए कि विपणन लागत क्या होता है, विपणन लागत का उद्देश्य क्या है, इसको भी कभी कभी पूछ जाता है। तो कृषि वस्तुओं की विपणन प्रक्रिया की कुल लागत का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, यह ज्ञात करना कि विपणन प्रक्रिया में कौन कौन से बिचौलिए हैं, वे क्या कार्य अथवा सेवा करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए क्या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है विपणन व्यय को कम करने की संभावनाओं का पता लगाने और सेवा कार्यों में सुधार के लिए के विकल्प के रूप में इनको ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यह था विपणन के बारे में। अगला इसी में एक पॉइंट रहेगा, विपणन लागत के सामान्य रूप क्या क्या है, जैसे क्या क्या सामान्य रूप है, किन किन रूपों में इसमें लागत लगता है विपणन में, ठीक है। तो पहला रहेगा विज्ञापन, ठीक है, विपणन लागत के सामान्य रूप पूछता है एग्जाम में कि विपणन लागत से आप क्या समझते हैं, विपणन लागत के सामान्य रूप लिखिए। तो विज्ञापन के पहला विज्ञापन, ठीक है, विपणन लागत का सामान्य रूप यह है विज्ञापन, पहला पॉइंट। तो इससे क्या होता है, किसी भी उत्पाद या सेवा का प्रमोशन करने के लिए मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि विज्ञापन में खर्च किया जाता है, तो उसको बोला जाता है विज्ञापन लागत, ठीक है। अगला सेल्स प्रमोशन, तो विशेष ऑफिस डिस्काउंट, कूपन, लॉयल्टी प्रोग्राम और अन्य सेल्स प्रमोशन गतिविधियों के लिए जो खर्च किया जाता है उसको बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। मतलब आप ऑफर लाएंगे कि 50% की छूट, 30% की छूट, 20% की छूट, इसमें जो लागत खर्च होता है प्रचार करने में, इसका भी प्रचार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अगला है ब्रांडिंग और पैकेजिंग, तो आपको ब्रांडिंग में जो खर्च आ रहा है, पैकेजिंग में जो खर्च आ रहा है उसको बोलेंगे ब्रांडिंग और पैकेजिंग खर्च। बाजार अनुसंधान, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और विचारों को जानने के लिए आप क्या करेंगे, बाजार का रिसर्च करेंगे, बाजार की जानकारी लेंगे, उसमें जो खर्च आएगा उसको बोलेंगे बाजार अनुसंधान खर्च, ठीक है, या लागत। डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आदि के जरिए जो आप इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसको बोलेंगे क्या, डिजिटल मार्केटिंग लागत। तो इन सभी को मिलाकर जो खर्च होता है उसको बोलते हैं विपणन लागत, ठीक है। तो ये सब मैंने जो बताया 4-5 पॉइंट, ये सब विपणन लागत के सामान्य रूप थे। चलिए चलते हैं आगे, उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जो भी बताया अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कहीं से कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी आप लोगों को विज्ञापन बताया और यहाँ पर विज्ञापन आ गया, किसी वस्तु के विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। किसी वस्तु के विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन की कंपनी खोला है, मुझे इस कंपनी का प्रचार करना है, प्रचार करने के लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा न्यूज पेपर वाले के यहाँ, बोलूंगा भैया मेरा ये जो पेन है ना इसका आप ऐड कर दीजिए, मैं इसके लिए आपको 5,000 रुपया दूंगा, ठीक है, आप मेरा या जो ऐड है या 3 दिन तक चला दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। तो वह क्या करेगा, न्यूज़पेपर वाला मेरा जो पेन की कंपनी रहेगी उसको अपने न्यूज़पेपर में पूरा अच्छे तरीके से छाप दूंगा कि इसके मालिक ये हैं, यहाँ पर यह कंपनी है, यहाँ यहाँ इस कंपनी इस तरह का यहाँ पर पेन मिलता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो लोग पेपर पढ़ेंगे वहाँ पर मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में क्या थोड़ा सा पता चलेगा, इससे क्या होगा, इससे मेरा प्रचार होगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है विज्ञापन। आज के समय में लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाते हैं, ठीक है, ऐड करवाते हैं, तो यह सब जो खर्च होता है इसमें, तो इसको बोलते हैं विज्ञापन, ठीक है। तो विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बात लोगों को बतलाई जाए,
ठीक है। विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बात लोगों को बतलाई जाए, वह सूचना पत्र, इश्तिहार, बिक्री आदि के माध्यम से हो और जो सूचनाओं के माध्यम से दी जाए उसी को बोलते हैं विज्ञापन, ठीक है। या बोल सकते हैं विज्ञापन से तात्पर्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सूचित करने से, ठीक है। विज्ञापन से तात्पर्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ एवं ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सूचित करने से है। इसके अंतर्गत जब कोई भी उत्पादन होता है तो उस उत्पाद की सूचना ग्राहक को भी हो, इसलिए ग्राहक तक उत्पाद की गुणवत्ता, रंग, आकार, वजन आदि से संबंधित सूचना विज्ञापन के रूप में पहुंचाई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पेन के एग्जांपल से, तो इसके माध्यम से जो भी ग्राहक होता है उनके तक यह सूचना पहुंचाई जाती है कि हमारी जो पेन की कंपनी है इस ब्रांड का इसमें सीआई लगा गया है, इस तरह की सीआई होती है, इतनी दूर तक, इतना किलोमीटर तक या इतना मीटर तक मेरी पेन चल सकती है, ठीक है। बाल पेन है, जेल पेन है, इन सभी चीज़ों के बारे में जब जानकारी करेंगे तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा विज्ञापन क्या है। विज्ञापन मतलब समझ लो प्रचार, जब किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो उसको हम लोग विज्ञापन कर सकते हैं। आप लोग को इस प्रक्रिया से याद रखना है, इस बात को याद आएगा तो आप लोग पूरे परीक्षा में लिख सकते हैं। अगला है एक मार्क क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एक नंबर पूछता है एक मार्क। तो एक मार्क कृषि एवं उत्पादों को श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाली एक संस्था, एक मार्क देखेंगे तो लिखा रहेगा एक मार्क, ठीक है, प्रमाणित है एक मार्क से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कृषि एवं उत्पादक को श्रेणीकरण जब किया जाता है कि श्रेणी का है या प्रमाणित किया जाता है कि अच्छी श्रेणी का है कि नहीं है, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, एक मार्क संस्था का, ठीक है। इसकी स्थापना श्रेणीकरण में विवरण अधिनियम 1937 के तहत हुई थी, ठीक है। एक मार्क की स्थापना कब हुई थी, तो विपणन अधिनियम, श्रेणीकरण एवं विपणन अधिनियम 1937 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय यदि पूछे तो इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा एक मार्क के बारे में। एक मार्क यदि पूछे जाए क्या लिखेंगे, एक मार्क जो है कृषि उत्पादकों को श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना श्रेणीकरण एवं विपणन अधिनियम 1937 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में क्या अंतर है। सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर देखिए, सहकारी और सामूहिक में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है। थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने, चलिए बताते हैं। सहकारी कृषि पहले देख लीजिए, सहकारी कृषि, तो सहकारी कृषि क्या होता है, सहकारी कृषि का अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, ठीक है। सहकारी कृषि का अभिप्राय उस संगठन से है जिस पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक किसान जो होते हैं अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। तो यह था सहकारी कृषि के बारे में। अब देखिए सामूहिक कृषि क्या होता है, तो इस प्रकार की खेती में सभी किसान अपनी भूमि का स्वामी होते हैं, ठीक है। सहकारी कृषि में क्या होता है, कोई भी किसान अपनी भूमि का स्वामी नहीं होता है, लेकिन सामूहिक कृषि में किसान जो होता है अपनी भूमि का स्वामी स्वयं होता है तथा खेती सभी सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से करते हैं। लेकिन सहकारी समिति में क्या होता था, सहकारी खेती में सभी लोग की किसी की भूमि नहीं रहेगी लेकिन खेती सब लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। सदस्यों को उनके कार्य के बदले एक निश्चित मजदूरी मिलता है, सामूहिक खेती में सदस्यों को उनके कार्य के बदले एक मजदूरी मिलता है, लेकिन जो सामूहिक कृषि होता है, सॉरी सहकारी कृषि होता है, उसमें सभी का समान अधिकार होता है, उसमें कोई मजदूर नहीं मिलता रहता है, ठीक है। सभी को समान मात्रा में आय का जो भी लागत जो प्रॉफिट प्राप्त होता है सभी को बढ़ता है, ठीक है। अगला है साथ ही वर्ष के अंत सब खर्चे जैसे मजदूरी, प्रबंध खर्च, सुरक्षित कोष इत्यादि काटने के बाद जो कुछ भी लाभ बचता है वह काम के अनुसार सदस्यों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो यह था सामूहिक कृषि और मैंने बताया सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, तो यही था दोनों में अंतर। चलिए चलते हैं आगे, अगला है गैट, मैं बोल रहा हूँ 100%, ठीक है, 100%, 100% मैं लिख दे रहा हूँ, 100%, 1000% दिख जाए यमुआ में आएगा आपके, ठीक है। तो इस समझौता को देखिए गैट, गाट गाट इसे भी बोला जाता है कभी कभी, गाट या गैट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या, पहले उसको जान लीजिए, तो इसका पूरा नाम है जनरल, मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन
टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। यह क्या है, अब इसके बारे में जान लीजिए। देखिए गैट जो है ना बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। यह क्या है, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। गैट क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसे सन 1947-48 में लागू किया गया था, ठीक है। सन 1947-48 ईस्वी में लागू किया गया था या स्थापित किया गया था, जिसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। गैट समझौता में कुल 23 देशों ने भाग लिया था। जब यह 23 देश आपस में मिलकर समझौता किए तो इसी समझौता को गैट समझौता बोला गया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें 23 देशों ने भाग लिया। इस व्यापार समझौता को 1947-48 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस समझौता को सामान्यतः गैट समझौता कहते हैं, ठीक है। इस समझौता का उद्देश्य क्या था, तो इस समझौता का उद्देश्य था विश्व व्यापार में आए हुए जो भी रुकावट हैं उनको कम करना, ताकि विभिन्न देश अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके। पहले समय में क्या होता था कि किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, ठीक है। उसके लिए 23 देशों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया जिसको गैट समझौता बोला जाता था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि विदेश में व्यापार में आए रुकावट को कम करना, ताकि विभिन्न देश अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके और उत्पादों की अन्य देशों से आसानी से आयात कर सके, ठीक है। तो यही था गैट समझौता। गैट समझौता क्यों पूछा, देखिए मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा गैट समझौता क्या है, इंपॉर्टेंट इसीलिए। देखिए गैट समझौता एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसे 23 देशों ने मिलकर 23 देशों ने मिलकर जिसमें एक भारत भी शामिल है, ठीक है। 23 देशों ने मिलकर सन 1948 ईस्वी में स्थापित किया था, ठीक है। गैट समझौता एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसे 23 देशों ने मिलकर 1947-48 ईस्वी में लागू किया गया था। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार में आए रुकावटों को कम करना, ताकि विभिन्न देश जो है अपने उत्पादों और अन्य देशों में से आसानी से बेच सके और उत्पादों के अन्य देशों से आसानी से आयात कर सके, मतलब अपने अपने उत्पाद को दूसरे देश में बेच सके और दूसरे देश के उत्पाद को अपने देश में बेचने दें। इसलिए यह समझौता किया गया था गैट। इसका पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि गैट समझौता क्या है, गैट समझौते में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। तो चलिए पहला देखते हैं टैरिफ, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है टैरिफ। टैरिफ टैरिफ क्या है, ठीक है। तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ, मतलब जिसको बोलते हैं कर, ठीक है, को नियंत्रित करने का समझौता किया, ठीक है। गैट जो है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें टैरिफ जो है उसको क्या किया गया, नियंत्रित करने का समझौता लिया गया। मतलब इन्होंने कहा कि अब विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर जो लगने वाले कर हैं वह कम लगेंगे। पहले जमाने में बहुत ज्यादा कर लगते थे, मतलब पहले जमाने की बात नहीं, कुछ टाइम पहले की। मैंने आप लोग बताया ना कि 1947-48 में लागू हुआ, उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम बहुत ज्यादा कर लगता था, ठीक है, जिसको नियंत्रित करने के लिए गैट समझौता किया गया था। दूसरा इसमें बात था मोस्ट फेवर्ड मेंशन, MNF एक नंबर में पूछता है MNF क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है मोस्ट फेवर्ड मेंशन, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते समय एक दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा, जो कि गेट के तहत निर्धारित था, ठीक है। इसका कहने का यह था कि आप जो है किसी चीज को जाएंगे बेचने तो वहां पर सभी देशों के सामानों को बराबर में बेचेंगे, यह नहीं कि अपने सामान को ज्यादा बेच ले दूसरे सामान को कम बेचेंगे, ठीक है। तो यह था मोस्ट फेवर्ड मेंशन। इसके बाद है टैरिफ और व्यापार में सुधारों की आवश्यकता। गैट के अंतर्गत सदस्य देशों को आपसी सहमति से व्यापारिक बाधाएं कम करने के लिए टैरिफ और व्यापार नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो यह था गैट। गैट समझौता क्या है, गैट समझौता में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में मैंने बताया। एक पॉइंट इसका और रहेगा, विवाद निर्धारण। तो गैट ने व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जिसमें दोनों पक्षों को अदालती समाधान के लिए समझौता करने का प्रयास करना था, ठीक है। गैट का स्थानांतरण सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ, WTO के रूप में हुआ, ठीक है। अब ये WTO क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी, ठीक है। चलिए अभी इसको मैं WTO को लास्ट में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं। सहकारी खेती के लाभ एवं हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सहकारी खेती क्या है, तो सहकारी खेती खेती की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कृषि करते हैं।
इस प्रणाली में किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, परंतु कृषि संबंधी कार्य अन्य लोगों के साथ मिलकर करना चाहता है। ठीक है, देखिए सहकारी नहीं सामूहिक कृषि है। ठीक है, सामूहिक खेती से आप क्या समझते हैं? सामूहिक खेती के लाभ एवं हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सामूहिक खेती खेती की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। इस प्रणाली में किसान अपनी भूमि का स्वामी स्वयं रहता है, परंतु कृषि संबंधी कार्य अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। जो लाभ प्राप्त होता है उसे आपस में बांट लिया जाता है। ठीक है, इसका लाभ क्या है? तो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर मजबूती से कार्य करते हैं और सामूहिक रूप से कृषि उपकरण बीज और अन्य सामग्री को साझा करने से खर्च को कम किया जा सकता है। ठीक है, जब सभी लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपको खेत में 50 KG सीड लगेगा। ठीक है, जिसकी कीमत क्या है? 1,000 है। तो आप यदि अकेले रहेंगे तो अकेले आपको 1,000 देना पड़ेगा। 5 लोग रहेंगे तो क्या होगा, 200-200 रुपये सब लोग दे देंगे, तो इससे क्या होगा, 1,000 रुपये की बीज आ जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, किसान समूह अपने उत्पादों की साझेदारी के रूप में आर्थिक लाभ को साझा कर सकता है। जो उनसे उत्पादन का जो आर्थिक लाभ प्राप्त होगा उसको अपन साझा कर सकता है। अगला, बाजारीकरण की सुविधा में सहकारी कृषि को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगा। कुछ उत्पादन प्राप्त होगा, मान लीजिए 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल में कितने किलो होता है? 100 KG होता है। 5 लोग 20-20 KG सब लोग गए दूसरे दूसरे मार्केट में बेचने, उससे क्या होगा, उससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो यह था सहकारी खेती से लाभ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या है? 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल नाबार्ड, देखिए पहले मैं लिख देता हूँ नाबार्ड। ठीक है, NABARD, इस प्रकार नाबार्ड होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक। ठीक है, क्या होता है, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम पता चल गया आप लोगों को, नाबार्ड क्या है। ठीक है, तो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। ठीक है, जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका पहला कर्तव्य होता है कि गांव के क्षेत्र पर, ग्रामीण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करे, गांव के क्षेत्र पर अपने ध्यान रखे। ठीक है, यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्था है। ठीक है, यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करने वाली एक बैंकिंग संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो यह था नाबार्ड। अब बात आती है नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई एक नंबर पूछता है, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किसके द्वारा की गई, तो शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। ठीक है, शिव रमन एक समिति थी, उस समय एक समिति चल रही थी शिवरमन समिति, उसके सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, जो प्राथमिक तौर पर, जो सीधे तौर पर लिखिएगा, नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका मुख्य कर्तव्य होता है ग्रामीणों को ऋण प्रदान करना, कम कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कृषि के अतिरिक्त नाबार्ड छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसका उद्देश्य देखेंगे, नाबार्ड का क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्यों इसकी स्थापना की गई, तो देखते हैं, ग्रामीण विकास को निर्धारित करने, सुनिश्चित दिशा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। मतलब कहने के, ग्राम गांव में विकास के लिए, विकास जो उसको निर्धारित करके सुनिश्चित करने के लिए, दिशा देने के लिए इसका इसकी स्थापना किया गया। ठीक है,
नाबार्ड विभिन्न संस्थानों को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिए दीर्घ वृद्धि और अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि नाबार्ड जो होता है वह विभिन्न संस्थाओं को दीर्घ अवधि और अल्पावधि का ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। जो गांव की अर्थव्यवस्था है उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना नाबार्ड का अगला उद्देश्य। ठीक है, अगला उद्देश्य है लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराना। मतलब जो लघु और छोटा और कुटीर उद्योग है उसको क्या करना, उसके लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना, नियंत्रित करना तथा मूल्यांकन करना। देखिए गांव गांव के लोग ऐसे थे, पुराने समय की मैं बात बता रहा हूँ, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सब लोग क्या हो गए हैं, सब लोग जानकार हो गए हैं। लेकिन इससे पहले सन 2005 के पहले की मैं बात बताता हूँ, उस समय क्या होता था, बहुत कम लोग बैंक के बारे में जानते थे। बैंक क्या है, लोन भी मिलता है कि कैसे मिलता है, क्या होता है, सभी लोग नहीं जानते थे। एक सहकारी बैंक होता था जिसे गांव में लोग सोसाइटी के नाम से जानते थे। ठीक है, सोसाइटी के नाम से जानते थे, यहीं से उनको खाद मिल जाता था, बीज मिल जाता था, सब कुछ यहीं से मिल जाता था। तो वह सभी लोग बैंक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, तो उसके लिए गांव 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 में समय समय पर बैंकिंग व्यवस्था की जांच की जाए, इसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाए, इसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, तो यह था नाबार्ड का उद्देश्य। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसका लाभ और हानि पूछा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सभी देश अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करता है तथा कुछ वस्तुओं की देश की कमी भी हो जाती है। ठीक है, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा जो भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारा जो भारत देश इस टाइम इतना उत्पादन कर लेता है कि सभी लोगों का पेट भर सके, शायद कुछ कम करता है। ठीक है, मतलब फिर भी कर लेता है कि सभी लोगों का पेट भर जाए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपने देश में उनकी इतनी जनसंख्या है, उतना उत्पादन भी नहीं कर सकते, उनको खाने के लिए उत्पादन भी नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, तो वहाँ के लोग दूसरे देश से क्या करेंगे, अनाज को खरीदेंगे अपने देश के लिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो वह क्या करेंगे, उनकी आवश्यकता है दूसरे देश से खरीदने की, तो वह क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सभी देश अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करता है तथा कुछ वस्तुओं की देश में कमी भी हो जाती है। जैसे अमेरिका है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अमेरिका मान लीजिए कोई पेन की कंपनी है, विन का पेन, मान लीजिए जब एक विन का पेन मिलता है ना 7 रुपये वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और एक मान लीजिए राइटोमीटर की पेन, ठीक है, 20 रुपये वाली, यह जो है यह अमेरिका में बनती है पेन। यह पेन जो है कहाँ बनती है, अमेरिका में बनती है। यह पेन हमारे भारत में बनती है। ठीक है, यह जो अमेरिका की पेन है ना, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और यह बहुत दिन तक चलती है। ठीक है, और जल्दी ख़राब नहीं होती है, इससे बहुत अच्छी लिखावट होती है। तो क्या होगा कि हमारा जो भारत, यह अपने यहाँ की इतनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा उत्पादन करेगा। ठीक है, और हमारा जो भारत देश है, यहाँ से इस पेन के लिए डिमांड आएगी कि हमको भी वो पेन चाहिए, यहाँ पर इस विन के पेन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 150 करोड़ पार हो गया, तो हो सकता है कि पेन की कमी हो जाए, होगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैथ वाले इसमें कुछ लोग होंगे तो वह लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो वह लोग मान भी लेते हैं कि मान लीजिए आग है, ठंडी में उन लोगों को ठंडी नहीं लगता है, क्योंकि वह लोग मान लेते हैं कि हमारे सामने आग है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बता रहा हूँ। तो आप लोग मान लीजिए कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर विन का जो पेन है इसकी कमी हो गई, तो यह क्या करेगा, यह जाएगा अमेरिका के पास, या अमेरिका से राइटोमीटर का पेन लेकर आएगा अपने इंडिया में, इसकी जरूरत पड़ी इसको। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब कहने का यह है कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए जाता है जब घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन या क्षमता नहीं होती। जब घरेलू व्यापार को पूरा करने के लिए, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन या क्षमता नहीं होती है, तब देश जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जाता है। इसलिए आवश्यक सामानों का आयात करके एक देश अपने घरेलू संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन कर सकता है कि वे अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि देश को अपने, सभी देश अपने देश के निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कुछ वस्तुओं की देश की तुलना में कम भी हो जाती है, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, किसी भी देश को निम्नलिखित कारणों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना होता है। ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं होती जिनके कारण इनका आयात करना पड़ता है, पहला कीमत। ठीक है,
राइटोमीटर की पेन जो है अमेरिका में 20 रुपये में मिल रही है, हमारे देश में आकर उसी पेन को 40 रुपये में बेच रहे हैं। फिर ये दूसरे व्यापारी को पता चली, वह क्या करेगा, अमेरिका से 20 रुपये की लाएगा, 30 रुपये में बेचेगा। इससे क्या होगा, इससे कीमत जो है वह कम रहेगी, ठीक है। गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता अच्छी है, ठीक है, इसकी उपलब्धता मतलब जल्दी से उपलब्ध हो जाएगा। तो इस इन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं, ठीक है। पहला, तुलनात्मक लाभ। तो इसका मतलब है कि यह देशों को केवल उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है जिन पर यह अच्छा होता है, ठीक है। इसका लाभ यही है कि यह वस्तुओं को केवल उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है जिन पर यह अच्छा होता है। अगला, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। यदि कोई देश अपने माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है, बेचना चाहता है, तो उसे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना होगा। इसलिए क्या होगा कि अधिक मात्रा में सब लोग उत्पादन भी करेंगे, ठीक है। अगला, प्रतियोगिता, कंपटीशन। विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं को बेचना भी उस बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होगा। अधिक रोजगार का सृजन, तो किससे क्या होगा, जब उत्पादन अधिक होगा तो उससे क्या होगा, अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नुकसान क्या क्या है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है अधिक निर्भरता, मतलब दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, सभी लोग अधिक निर्भर हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, धोखा मिल जाता है, तो उससे नुकसान होता है। नई कंपनियों के लिए अनुचित, जब नई कंपनी अपने देश में खुलती है तो बाहर से आने लगता है, तो सबको वही पसंद आ जाता है, तो उससे नई कंपनी होती है उनको नुकसान होता है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। तो कोई भी देश होता है वह क्या कर सकता है कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ वह अपने बम को भी भेज सकता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी भेज सकता है उसमें, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान से देख रहे हैं, ताना तानी चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बोल रहा है बार बार परमाणु बम छोड़ देंगे इंडिया के ऊपर, चाइना वाला बोल रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है एक प्रकार का, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, इससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन जो उस पर दबाव भी होगा। तो यह था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ और हानि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ बताता चला जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, तो आप लोग समझिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वही टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नाइफेड क्या है। एक यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया हुआ, ठीक है। नाइफेड क्या है, नाइफेड का पूरा नाम क्या होता है, तो पहले मैं इसको बता देता हूँ। नाइफेड क्या है, तो नाइफेड भी एक प्रकार का क्या है, संस्था है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, बैंक है या फेडरेशन बोल सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है नाइफेड का, NAFED, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी इसको कहीं कहीं पर लगा दिया था, ठीक है। तो नाइफेड का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए मैं जो नाइफेड बता रहा हूँ, नाबार्ड बता रहा हूँ, CWC अभी आगे आप लोग बताऊंगा, USWC बताऊंगा, तो इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, एक नंबर के लिए, ठीक है। तो इसका नाइफेड का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना गांधी जयंती के दिन या गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नाइफेड की स्थापना गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कब हुई थी, सन 1958 को हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइफेड, ठीक है। यह क्या है, चलिए अब देखते हैं नाइफेड है क्या। तो मैंने इसका पूरा नाम बताया आप लोगों को, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन, ठीक है। तो यह क्या है, तो राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। मतलब जो राज्य स्तरीय विपणन संस्था थे, ठीक है, राज्य सभी, देखिए सभी राज्य स्तर पर अपना अपना एक विपणन संस्था है, तो उन सभी राज्य विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। इस संस्था का स्थापना 1958 में किया गया था। इस संस्था को संक्षेप में नाइफेड कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नाइफेड का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। नाइफेड का मुख्य उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय को स्थापित करना है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है अंतर प्रदेशी व्यापार। इसका कार्य क्या है, अंतर प्रदेशी व्यापार, मतलब दूसरे राज्य में भी, दूसरे प्रदेश में भी व्यापार कर सके। अगला, भंडारण व्यवस्था, विधायन इकाइयों की स्थापना,
कृषि उत्पादों का निर्यात, ठीक है, कृषि उपयोगी उत्पादन संसाधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात, कृषि संसाधनों की आपूर्ति, विपणन सर्वेक्षण, ठीक है। तो यह था इसका कार्य। आगे देखेंगे तो मैंने आप लोगों को सहकारिता क्या होता है, सहकारिता के सिद्धांत थोड़ा सा बता देता हूँ। सहकारिता का सिद्धांत देखिए क्या है, समानता। सहकारिता क्या होता है, मैंने आप लोग बताया कि जब किसी व्यक्ति को कुछ लोग आपस में मिलजुल सहयोग से करते हैं तो उसको बोलते हैं सहकारिता। या सहकारिता वह कार्य है जिसको स्वैच्छिक सहयोग देकर जनता अपनी शक्ति और साधन का प्रयोग करके सबके लाभ के लिए प्रबंध करती है। इसका सिद्धांत है समानता। समानता मतलब क्या है कि सहकारी समिति के सभी सदस्यों का अधिकार समान रहेगा। दूसरा इकोनॉमी, इसका मतलब यह है कि सहकारी समिति जो अपना सभी काम है वह लाभ के दृष्टि से करती है, जिससे क्या होगा जो उसमें सहकारी समिति के सदस्य होते हैं उनके अंदर भी लाभ की भावना पैदा होती है। अगला है यूनिटी, एकता। इससे क्या होगा, इससे जब सभी लोग आपस में मिलकर खेती करेंगे, आपस में मिलजुल कर कोई काम करेंगे तो उससे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसमें सहकारिता सिद्धांत में एक मुख्य पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि एक सबके लिए। सहकारिता का सिद्धांत बोलता है कि एक सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए कार्य करें, ठीक है। एक सबके लिए और सब एक के लिए कार्य करते हैं, इसका मुख्य सिद्धांत यही है, ठीक है। अगला आय का समान रूप में वितरण। तो सहकारिता से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आय प्राप्त होगा उसका सभी में समान रूप से वितरण होगा। अगला ऐच्छिक संगठन। सहकारिता में कोई अपनी इच्छा से आ सकता है और इच्छा से जा सकता है, ठीक है। कम ब्याज पर ऋण देना। सहकारिता जो होती है अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देती है। सहकारिता का उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना, ठीक है। आगे देखेंगे मांग का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या है, तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, किसी वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। कोई वस्तु 5 रुपए केजी है, ठीक है, तो यह क्या होगा, इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो सब लोग सोचेंगे 20 सस्ता है, खरीद के घर में रख लेंगे, तो 20-20 केजी खरीद के रखेंगे। अब मान लीजिए प्याज है, ठीक है, प्याज है 150-150 रुपए किलो। या लहसुन इस टाइम जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लहसुन का एग्जांपल लेंगे, लहसुन जो पहले था वह था 30 रुपया केजी, तो कोई नहीं खरीदा। आज के समय में कितना है, 300 रुपया केजी। तो अब क्या हो रहा है, 30 केजी था तो कुछ लोगों ने खरीदा 20 किलो। आज जब 300 केजी है तो आप जाएंगे खरीदेंगे तो 1 केजी खरीदेंगे, सोचेंगे कि ज्यादा खरीदेंगे तो खराब हो जाएगा, क्या मतलब इतना महंगा खरीद के। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि वस्तु की जब कीमत घट रही है तो मांग बढ़ जा रही है, लेकिन जब कीमत बढ़ जा रही है तो मांग घट जा रही है। तो मांग का नियम यही बोलता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, किसी वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यह जो बात है, अन्य बात यदि समान रहेंगी तब। अब वो अन्य बातें कौन कौन सी जो समान रहनी चाहिए तो उसको देख लीजिए। तो अन्य बातें समान रहने पर, जैसे कौन सी बातें समान रहनी चाहिए इसके लिए, तो मांग के नियम के कथन में अन्य बातें समान रहने पर कौन कौन सी बात समान रहनी चाहिए उसको देखिए। उपभोक्ताओं की रुचि, आदत तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता जो है उनकी रुचि, आदत तथा अधिमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट है प्रयोग की जाने वाली वस्तु साधारण नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तो यदि यह सब बातें जो असमान रहेंगी तो वहां पर मांग का नियम लागू होगा। मांग का नियम कहता है किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कृषि विपणन की क्या समस्याएं और क्या समाधान बताइए। तो कृषि विपणन की समस्याएं जो है वह बहुत सारी है। जैसे पहला है मध्यम और लघु किसानों की असमर्थता। तो हमारे जो भारत देश, यहाँ पर मध्यम और लघु किसान है जो क्या होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो इसका समाधान यही कि सरकार को छोटे किसानों के लिए विशेष योजना प्रदान करनी चाहिए जिससे वह बाजार तक पहुंचने में मदद मिल सकते, और साथ ही किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में सहायता प्रदान करनी चाहिए। दूसरा समस्या है बाजारों की दूरी और पहुंच। तो आज के समय देखेंगे कि बाजार जो बहुत दूर होता है, किसानों को अपने प्रोडक्ट को बाजार तक ले जाने में बहुत अधिक समस्या होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, स्थानीय बाजार को प्रोत्साहित करना चाहिए और नए बाजारों को खोलने के लिए सरकार को उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अगला है मंद तकनीक और अपडेट डिजिटल सहायता का अभाव। मतलब धीमी तकनीकी अपडेट और डिजिटल सहायता का भाव। कहने का मतलब यह कि जो किसान होते हैं उनको तकनीकी के बारे में पता नहीं होता है, जिससे क्या होता है, जिससे उनको बहुत अधिक नुकसान भी हो जाता है। कहीं जाना होता है उनको, मान लीजिए दूसरे मंडी में, दूसरे सब्जी मंडी में वहां पे मांगा है, तो वहां पर जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। यदि उनको तकनीकी का ज्ञान रहेगा तो मैप से क्या करेंगे, वह वहां पर चले जाएंगे और वहां पर अपने मार्केटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मूल्य संबंधी समस्याएं। तो एक संरक्षित और स्थिर मूल्य निर्धारण करने को प्रक्रिया को ध्यान में रखने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और नए और अच्छे बाजारों को खोलने और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया को सुधारना चाहिए, ठीक है। किसान जो सीधे खरीदार से जुड़ सके इसलिए इस प्रक्रिया को सुधारना चाहिए। अब क्या होता है कि गाँव में आते हैं, एक
जो व्यापारी होते हैं भंडारण करके रख लेते हैं सभी को अनाज को सस्ते दामों में लेकर, जब बीज महंगा हो जाता है, दाम महंगा हो जाता है तो वहां पर बेचते हैं। तो इसके लिए सरकारों को सीधे दुकानदारों से जोड़ने के लिए, खरीदारों से जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया बनानी चाहिए। अगला है भंडारण की कमी। तो किसान जो होता है भंडारण नहीं कर पाता है, सीमांत किसान होते हैं उनके पास भंडारण करने के लिए सुविधा नहीं होती है, जिससे अपनी उत्पाद को बेचते हैं और गाँव में जो होते हैं व्यापारी आते हैं लेकर जाते हैं भंडारण करके रख लेते हैं, जब महंगा होता है तो बेचते हैं आराम से उसको। तो इससे क्या होता है, इससे किसानों को हानि होती है, यह थी समस्या। आगे देखेंगे जीएसटी के बारे में, जीएसटी क्या है, जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा जीएसटी क्या है, ठीक है। तो जीएसटी सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। अब जो 1 रुपये का टॉफी लेते हैं ना उस पर भी जीएसटी लगता है, ठीक है। साबुन लेते हैं 10 रुपये का उस पर जीएसटी लगता है, 2 रुपये की माचिस 1 रुपये की माचिस लेते हैं उस पर जीएसटी लगता है, यहाँ तक कि 5 रुपये की पेन लेते हैं उस पर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इस कर को वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं को इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसको किसी वस्तु की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी को कई सारे टैक्स को हटाकर इसको यूज किया गया, क्योंकि पहले से मौजूद कई तरह के टैक्स जैसे सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स आदि को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लगाया गया। इसको इसलिए लगाया गया क्योंकि पहले समय में क्या होता था कि जो हमारा संविधान था, संविधान के अनुसार जो हमारा टैक्स है उसमें केंद्र सरकार के पास यह पावर था कि वह बिक्री पर टैक्स लगाए और राज्य सरकार, ठीक है, देखिए फिर समझिएगा। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उन्हें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने के लिए अधिकार प्राप्त था, ठीक है। केंद्र सरकार के पास क्या था, अधिकार प्राप्त था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार किसके प्राप्त था, और राज्य सरकार के पास था। इससे क्या हुआ कि सभी ने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरी में अलग कर दिया, कैटेगरी तय कर दी। इसके चक्कर में क्या हो गया कि एक ही सामान पर कई बार टैक्स देने पड़ गए और कई बार ऐसा हुआ कि टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ जाए। तो इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को एक टैक्स के रूप में लागू किया गया, जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जाता है, जिसे वस्तु एवं सेवा दोनों पर लगाया जाता है, इसीलिए इस टैक्स को वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है, ठीक है। इस जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। याद रखिएगा जीएसटी जो होती है 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो यह था जीएसटी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक क्रेता बाजार क्या है, मोनोस्पोनी मार्केट क्या है, ठीक है। मोनोस्पोनी मार्केट क्या है समझिएगा, मोनोस्पोनी मार्केट इसको हिंदी में बोलते हैं एक क्रेता बाजार, एक क्रेता बाजार, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक होता है विक्रेता, एक होता है क्रेता। विक्रेता मतलब बेचने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाला। एक क्रेता मतलब एक ही क्रेता होगा, मतलब एक ही खरीदने वाला होगा। जब बेचने वाले बहुत सारे और खरीदने वाला एक हो तो उसको बोलते हैं मोनोस्पी मार्केट, ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट को या किसी विशेष वस्तु को, विशिष्ट वस्तु को बेचने के लिए कई विक्रेता होते हैं लेकिन खरीदने वाला एक ही क्रेता होता है तो उसको बोलते हैं मोनोस्पी मार्केट, ठीक है। यही होता है मोनोस्पी मार्केट। अगला देखते हैं केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में बताइए, सीडब्ल्यूसी के बारे में बताना है। तो सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। यह क्या है, यह एक निगम जिसे 2 मार्च 1957 ईस्वी को नई दिल्ली में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि जो भी सीमांत किसान या छोटे किसान या बड़े किसान जो भी हो उनके अनाज को भंडारित करना, ठीक है। तो औपचारिक रूप से जब जो सीडब्ल्यूसी है इसको 18 मार्च 1963 ईस्वी को फिर से स्थापित किया गया था, ठीक है। इस निगम ने 7 गोदामों के साथ एक मामूली सी शुरुआत की थी, तो सीडब्ल्यूसी था यही, ठीक है। आगे देखेंगे एसडब्ल्यूसी का पूरा नाम होता है स्टेट वेयर हाउसिंग प्रोग्राम। तो यह क्या था, यह भी अनाजों को भंडारित करने के लिए एक व्यवस्था था, भंडारित करने के लिए व्यवस्था बनाया गया था, जिसमें पहला गोडाउन था, पहला गोदाम 1956 ईस्वी में बिहार में बनाया गया था। कहां पर, बिहार में स्थापित किया गया था। इसके बाद सन 2001 आते आते है पूरे देश में 1440 गोदाम हो गए थे, ठीक है। इसका निर्धारण जो होता है वह राज्य भंडारण निगम करता है, ठीक है। तो यह था एसडब्ल्यूसी। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एफसीआई की स्थापना जो है वह 1965 ईस्वी में हुई, ठीक है, 1965 ईस्वी में हुई थी एफसीआई की स्थापना। इसको बोलते हैं हिंदी में खाद्य निगम अधिनियम। तो खाद्य निगम अधिनियम की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एफसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एफसीआई का पूरा नाम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है, जो पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एफसीआई जो है पूरे भारत में 5 जोनल कार्यालय और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। एफसीआई जो है यह पूरे भारत देश में 5 जोनल कार्यालय और 24 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से संचालित होता है। यह खरीद केंद्रों एक नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करता है। ठीक है, यह जो होता है एफसीआई, यह खरीद केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न जो है उसकी खरीद करता है, फिर खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा प्रबंधित गोदामों में संग्रहित किया जाता है और राज्य के सरकारी एजेंसियों और संबंधित समितियों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है। एफसीआई का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य के लिए खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल और अनाज ही खरीद, भंडारण और वितरण करके भारत में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का एफसीआई। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि कल गली एग्जाम है और इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को इस टाइम पढ़ा सकूं, बता सकूं। हो सकता है एक वीडियो जो है वो आप लोगों को कुछ देर बाद देखने को मिले। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सहकारिता बता दिया, सहकारिता क्या होता है, सहकारिता के सिद्धांत क्या है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताता हूँ, तो उसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि विपणन में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। ठीक है, देखिए जो मैं इसके बाद बता रहा हूँ ना, उसको ज्यादा ध्यान से नहीं, लेकिन एक बार जरूर एक नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है। और एक है कंट्रोल मार्केट, नियंत्रित बाजार क्या है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने नाबार्ड के बारे में आप लोगों को बता दिया है, और अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं लिखा हूँ सब। मैंने गैट के बारे में आप लोग बता दिया, WTO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WTO मैं देखिए कराना इसको भूल गया हूँ, मैं इसको कराऊंगा, इसके बाद वाला एक वीडियो आएगा ना उसमें हो सकता है मैं इसको करा दूँ। ठीक है, WTO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, और कृषि विपणन में क्या हानियां है कृषि विपणन की, वो सब तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या हो सकता है, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, हाँ WTO कृषि पर हुए समझौते पर, समझौते के विषय में लिखिए। कृषि पर जो समझौता हुआ है उसके बारे में लिखने के लिए बोलता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कृषि पर क्या क्या समझौता हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। मैंने गैट के बारे में जो बताया ना वही है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो इसी को बोलता है और बार बार पूछता है। तो जो मैंने बताया क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, और जितना मैंने आप लोग बताया ना इसमें से मैं बताता हूँ 75% प्लस क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया, बाजार, बाजार क्या है, बाजार में समान बात में बता दूं तो बाजार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैंने आज की इस वीडियो में जो भी बताया है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया, और आप लोग को मेरा द्वारा बताया गया जो भी वीडियो है, जो भी क्वेश्चन है, सब कुछ अच्छा लगा, अच्छे समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।